ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो कुछ भारत कर रहा है या जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एक प्रकार से इच्छा है या जो संकल्प है जिसको उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका प्रस्तुतिकरण किया है पिछले कुछ वर्षों में, और उसमें निश्चित रूप से हिमालय का तो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि तो जो कुछ वहाँ पर घटता है उसी के कारण बहुत सारी चीज़ें और वहाँ जो कुछ हमारे पास है उसको कैसे प्रिजर्व करें वो भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और पिछले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो पेरिस में 2-3 साल पहले मीटिंग हुई और वहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व प्रदान किया, बहुत सारे नए आयाम इस मूवमेंट को दिए गए और जिनमें खासकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे बड़े आंदोलन का जन्म हुआ, मिशन इनोवेशन जैसे आंदोलन का जन्म हुआ जिसके अंदर अमेरिका के और फ्रांस के और भारत के तीनों जगह के राष्ट्राध्यक्षों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने क्लाइमेट जस्टिस, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स और इस सारे विषय का जो नैतिक पक्ष है जिसका कुछ कुछ उल्लेख अभी मिश्रा जी ने भी करने की कोशिश की, ये सारी जो स्टडीज़ हैं और ये सारे जो विषय हैं ये केवल टेक्निकल विषय नहीं हैं, ये भारत के लिए एथिकल विषय है और भारत के लिए ये मॉरल विषय है,